ये काफी दुख का विषय है कि ये बिहार इस क्षेत्र में छट के चलाता है, पीछे हो जाता है, लेकिन एक चीज सब लोग भरोसा रखे कि भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने खेलो इंडिया का गठन किया और उन्होंने खेलो इंडिया के गठन करके ने नारा दिया कि मेडल ला और नौकरी पाओ। पूरे देश के खेलने वाले बच्चों में, छात्र नौजवानों में काफ़ी उत्साह है, सब लोग उत्साहित हैं और इस दिशा में काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। सरकार का ये बजट भी बहुत बड़ा बनने के लिए जा रहा है और खेल के क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ेगा। उसी तरह से जब बिहार की बात आती है तो बिहार में हम सब लोग जो भी सुनने में आया कह रहे थे ये दुख हुआ है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, बिहार सरकार ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि हमारा प्लेयर छट के चला था, लेकिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार का फैसला हुआ है कि हम सभी खेलों के लिए खेल का मैदान बनाएंगे, सभी खेल के लोग उसमें खेलेंगे और हर पंचायत में खेल का मैदान बनेगा। इसको किस रूप से देख रहे हैं, जो हमारी पहलवान छट गई है ओलंपिक में? मात्र 100 ग्राम। देखिए, वो जो छट गए जान लीजिए उनका मनोबल काफ़ी हाई है, फिर खेलेगा लोग। और सरकार का जो उसके प्रति सहानुभूति है, सरकार जो उसके पीछे लगा हुआ है, सरकार जो पूरा साधन के साथ मुस्तैद है, उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। और चलिए, पटना में जो एक स्टेडियम बना है उसके बगल में एक और स्टेडियम बन रहा है जहां लगभग 16 खेल का वो मैदान बनेगा। 16 खेल को वहां विस्तारित किया जाएगा और चारों तरफ से खेल बिहार में विकास करेगा, खेल के क्षेत्र में बिहार आगे होगा।